गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई कीर्ति वेलकम यू ऑल इन बीबीवीएन ऑनलाइन क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो कैन यू टेल मी व्हाट शैल वी डू टुडे? आज हम क्या करने वाले हैं? यस, टुडे इज सैटरडे एंड वी आर हियर विद एन एक्टिविटी फॉर यू ऑल। हर सैटरडे हम एक एक्टिविटी करते हैं, राइट? तो आपको पता है हम ये एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं बेटा? हर एक्टिविटी के साथ में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक ना एक टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है? आपकी इंग्लिश एक्टिविटी होती है तो मैम आपको इंग्लिश से रिलेटेड, आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसे एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करती हैं, तो वो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? हम कोई भी एक्टिविटी क्यों करते हैं? जिससे हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, ठीक है? आप पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हो, आई नो आप सभी बोर हो जाते हो, ठीक है? तो कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन करता है। इवन सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं, अगर आप सेम कोई भी एक ऐसी ऐसा वर्क है जिसे कंटिन्यूसली कर रहे होते हो तो उससे आप थोड़े से बोर हो जाते हो। तो कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जो कि आपके माइंड को फ्रेश कर सके और आप अपने काम में फिर से लग सके। सो ये जो हम सैटरडे एक्टिविटीज करवा रहे हैं, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं जिससे आप अपनी जो पूरे वीक की स्टडीज हैं उससे थोड़ा सा फ्री हो सकें और अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक को भी क्लियर कर सकें। सो आज मैं आपके लिए सेम उसी चीज के लिए एक एक्टिविटी लेके आई हूँ। तो आज की एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आपने कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर के बारे में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है ना? कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर क्यों बनाते हैं? फाइल क्या होती है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डेटाज एंड इंफॉर्मेशंस। फाइल क्या होती है? सारी इंफॉर्मेशंस, जो भी डेटा होता है वो उसमें होता है। एंड फोल्डर क्या होते हैं? इट इज लाइक अ बैग, ठीक है? ये एक बैग के जैसा होता है जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स को स्टोर कर देते हैं, जैसे आप अपने स्कूल बैग में करते हैं, ठीक है? आपकी मम्मा के पास में पर्स होता है, हैंडबैग होता है, मम्मा उसमें सारा सामान अच्छे से रख देती है, ठीक है? तो फोल्डर एक बैग के जैसा होता है जिसमें आप अपनी सारी फाइल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है? तो ये तो हुआ कंप्यूटर का फोल्डर, आप जिसे कंप्यूटर में बनाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में एज ए क्राफ्ट को एक फोल्डर बनाना होगा जिसमें आपको अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ठीक है, आपके जो भी बर्थडे कार्ड्स वगैरह हैं, इनविटेशन कार्ड्स वगैरह हैं, वो सेफली रखने हैं, स्टोर करने हैं, तो आप उसे कैसे बनाएंगे? सो वी आर गोइंग टू मेक अ फोल्डर, ठीक है? आज हम बनाना सीखेंगे फोल्डर। फोल्डर को कैसे बनाते हैं? पेपर या फिर अदर जो मटेरियल्स होते हैं तो उनकी हेल्प से हम पेपर कैसे फोल्डर कैसे बनाते हैं। बट स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि ये जो सैटरडे एक्टिविटीज हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स इन्हें इसे इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट इग्नोर दीज एक्टिविटीज, बिकॉज इन एक्टिविटीज के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आप इन एक्टिविटीज को इग्नोर मत कीजिए, आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। आपको मार्केट से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जो रफ मटेरियल्स होते हैं, कोई भी लाइक इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, ठीक है, शादी के कार्ड हैं या जो रफ पेपर्स हैं, एंड बच्चों के पास में पुराने क्राफ्ट मटेरियल्स तो रखे होते ही हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे मार्केट से सामान मंगवा रहे हैं। आपके घर में जो भी मटेरियल है आप उनकी हेल्प से भी ये अपनी एक्टिविटीज है, जो भी क्राफ्ट का वर्क है वो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हमारी एक्टिविटी, ओके?